हेलो फ्रेंड्स, राजीव दीक्षित जी को हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनकी बताई हुई बातें हमेशा सच प्रूव होती है। राजीव दीक्षित जी से किसी ने उनके एक व्याख्यान में पूछा था, डॉलर कब कोलैप्स होगा? तो उन्होंने बताया था कि 2016 के उनके विंटर में होगा। और यही बात रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के राइटर है, उन्होंने भी कही थी। भले ही ये इवेंट थोड़ी देर से हो रहा है, लेकिन आज हम करेंसी को कोलैप्स होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कई देश हैं जिनकी करेंसी टोटली कोलैप्स कर गई है। देर सवेर ये इंडिया में भी होगा, क्योंकि सारी करेंसी एक दूसरे से लिंक होती है और सभी देशों के ऊपर डेट बढ़ता चला जा रहा है। बट क्या आप जानते हैं जब करेंसी कोलैप्स होता है तो क्या होता है? चलिए जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखते हैं। जिम्बाब्वे में $100 ट्रिलियन का बिल भी वर्थलेस हो गया, और जब इन्फ्लेशन 1,00,000% के आसपास पहुंच गया तो गवर्नमेंट ने डेटा ही पब्लिश करना बंद कर दिया। तो इस तरह से लोग अपनी ट्रॉली में नोट भर भर के ले जाते थे और शॉपिंग करते थे। ये $1 मिलियन का बिल है, $50 बिलियन, $100 ट्रिलियन। तो यहाँ पे ये इनके बहुत ही मशहूर प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, इनका किया धारा ये सब था। और जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया तो ब्रेड की कीमत 30 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गई, और फिर लोगों ने काम करना भी बंद कर दिया, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा थी कि जब वो काम से घर वापस लौटते थे तो उनके पास किराए देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। प्रॉब्लम यहाँ मनी प्रिंटिंग की थी, गवर्नमेंट बस अंधाधुंध नोट छापती चली जा रही थी। तो वेनेजुएला का जो करेंसी क्राइसिस था उसमें क्या हुआ देखते हैं। जब वेनेजुएला में करेंसी क्राइसिस आया तो वहां पे लोगों ने अपने पालतू कुत्ते, बिल्ली और कबूतरों को मार के खाना चालू कर दिया। जू वालों को बोला गया कि आपके जो जू में जानवर है उनको वेनेजुएला के लोगों को खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। टर्की की भी करेंसी फ्री फॉल पे, तो इस तरह से कई देशों की करेंसी फ्री फॉल पे है। चलिए अब इंडिया का हाल देखते हैं, इंडिया का क्या हाल है। तो इंडिया में भी अराउंड 194 लाख करोड़ का कर्जा हम पर है, और इस साल और 12 लाख करोड़ हम लोग लेने वाले हैं। ये एक ग्राफ है जिसमें बताया गया है कि अलग अलग कंट्रीज में उनकी जीडीपी की रेशियो में कितना उनके ऊपर कर्ज है। तो यूएस में 132% है, और इंडिया में करीब 80% है, चाइना में 70% है। सिचुएशन में जब देशों के ऊपर इतना कर्ज है तो ये कर्ज देगा कौन? ये कर्ज देंगे यहाँ पे रहने वाले लोग। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये सोचते हैं कि हम इस फिएट करेंसी जिसकी कोई बैकिंग नहीं है हम इसे ही यूज करेंगे, तो आपका भी हाल वही होगा जो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हुआ है लोगों का। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपने हार्ड एंड मनी को ऐसे ही रद्दी के नोट में बदलते हुए देखेंगे? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट, बैंक सब कोलैप्स कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करें, बट गोल्ड एंड सिल्वर कोमैक्स और LBA में ये एक्सचेंजेस हैं, इनके थ्रू इनके प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, इनके प्राइस को कम रखा जाता है। और दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। क्रिप्टो भी मैनिपुलेट होता है, लेकिन उतना नहीं जितना गोल्ड एंड सिल्वर को ये लोग करते हैं। इनका कंट्रोल गोल्ड एंड सिल्वर पर ज्यादा है बजाय क्रिप्टो के ऊपर। और गोल्ड एंड सिल्वर में हमें वैसे रिटर्न नहीं मिलते जैसे कि क्रिप्टो में मिलते हैं। तो पिछले 12 सालों में बैंक्स हजारों बार हैक हुए होंगे, लेकिन हमें एक भी न्यूज नहीं मिलती कि बिटकॉइन कभी हैक हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन कभी हैक हुआ ही नहीं है। जो हैकिंग की न्यूज हमें मिलती है वो मोस्टली एक्सचेंजेस हैक होते हैं, बिटकॉइन क्यों कभी हैक नहीं किया गया है। प्लस हम क्रिप्टो के थ्रू पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। तब आपको डिसाइड करना है कि आप उस सड़े गले फाइनेंशियल सिस्टम को चूज करना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम को चूज करना चाहते हैं। क्रिप्टो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आने वाले सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं सेशन में।